गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद्र ने कहा कि गोरखपुर महाराजगंज में स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 21 बूथ गोरखपुर व 12 बूथ महाराजगंज में बनाया गया है। इन सभी बूथों पर मतदाता भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और लोगों के अंदर मतदान के लिए काफी उत्साह है। उन्होंने कहा, भाजपा प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है तथा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के द्वारा दिए गए दायित्व पर खरा उतरने का काम करूंगा। वहीं इस संबंध में सभा प्रत्याशी रजनीश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी मतदाता मेरे पक्ष में मतदान कर रहे हैं, क्योंकि लोग सपा की नीतियों व कार्यों से प्रभावित हैं, इसलिए प्रदेश में सभी सीटों पर सपा की जीत होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद व सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी समाजवादी, सभी अम्बेडकरवादी, सभी लोग पूरी मुस्तैदी से हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। हमारे नीतियों और कार्यक्रमों से लोग प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरे 6 साल फील्ड से गायब रहे हैं। उन्होंने किसी को मुंह तक दिखाने का काम नहीं किया। इस बात को लेकर मतदाताओं में बड़ा आक्रोश है। सत्ता बल और धन बल के दुरुपयोग के बल पर जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने सजोया है वो चकनाचूर होगा। अखिलेश यादव की नीतियाँ विजयी होंगी, समाजवादियों का कार्यक्रम विजयी होगा और मतदाताओं की निष्पक्षता विजयी होगी। अधिकतर लोग तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं जितने भी पार्षद हैं भाजपा को मतदान करें, किस तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं? उनके जो घोषित पार्षद हैं उनको मतदान कर रहे हैं, हमारे जो घोषित पार्षद हैं हमको मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को जिताएं, संविधान में विश्वास रखने वालों को जिताएं, लगातार क्षेत्र में साथ रहकर काम करने वालों को जिताएं। चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ, मुख्यमंत्री जी ने किया, तमाम सांसद देखिए, आपने देखा होगा कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला है और अभी विधानसभा में जिस तरीके का उत्साह था उससे भी बढ़ करके इस समय ये आज माहौल रहा। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद की सारी सीटें जीतने जा रही है। कितनी सीटें लगभग प्रदेश में? सभी 36 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, 9 तो पहले निर्विरोध हो चुका है, जो 27 पे मतदान हो रहा है वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनका आभार और धन्यवाद, और उन्होंने जिस उम्मीदों के साथ, जिस अपेक्षाओं के साथ में हमें आशीर्वाद दिया है, उनकी अपेक्षाओं पे 100% खरा उतरने का प्रयत्न करूँगा।